हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने बीईजीई 141 की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज हम उसी की यूनिट नंबर 3 करेंगे। नैरेटिव प्रोज नाम से ये हमारी यूनिट है और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पैसेज फ्रॉम चार्ल्स डैंकन्स की ग्रेट एक्सपेक्टेशन नामक जो इनका था उसको हम करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। लिखी किसने है? बाय चार्ल्स डैंकन्स ने। तो हम बात करें इसके बारे में, तो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है वो वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवल है। बहुत मतलब पॉपुलर नॉवल है ये चार्ल्स डैंकन्स की, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब बहुत पॉपुलर रही ये वाली इनकी नॉवल और बहुत पॉपुलर ये वर्क था इनका 19th सेंचुरी में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल बाय चार्ल्स डैंकन्स फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन ऑल द ईयर्स राउंड इन 1860 to 61। मतलब इस टाइम पे ये पब्लिश हुई थी, देन इशोड इन बुक फॉर्म इन 1861। और जो बुक बनी थी, मतलब कि जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी? वो 1861 में हुई थी। द क्लासिकल नॉवल वॉज वन ऑफ हिज ऑथर्स ग्रेटेस्ट क्रिटिकल एंड पॉपुलर सक्सेस। मतलब जो इनकी नॉवल थी, नॉवल है यहाँ पे वी आएगा, मतलब जो इनकी जो नॉवल थी वो बहुत इनकी, मतलब जो ये बहुत इनकी पॉपुलर इनकी सक्सेस रही। इट क्रॉनिकल्स द कमिंग ऑफ द एज ऑफ द ऑर्फन पिप। मतलब एक ऑर्फन पिप था, अनाथ एक बच्चा था जिसका नाम पिप था, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। मतलब उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे, मतलब क्रॉनिकल कैसे कैसे घटनाएं घटी उसके साथ उसकी बढ़ती उम्र के उम्र में, तो वो चीज बताई गई है। व्हाइल और आल्सो एड्रेसिंग सच इश्यूज एज सोशल क्लास एंड ह्यूमन वर्ड्स। मतलब बताया गया है कि कैसे मतलब उसके साथ डिफ्रेंशिएट होता है, कैसे मतलब उसके साथ भेदभाव होता है, चाहे मतलब वो सोशल क्लास हो या ह्यूमन वर्ड्स की बात हो, मतलब हर टाइप से उस बच्चे के साथ भेदभाव हुआ है। तो यही सारी बातें बताई गई हैं। तो ये देखिए, ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल बाय चार्ल्स डैंकन्स। उसके बाद देखिए, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है वो फॉलो द चाइल्डहुड एंड यंग एडल्ट ईयर्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ। मतलब एक जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये नॉवल है वो फॉलो करती है चाइल्डहुड, मतलब बचपन और यंग एज किसकी? एक ब्लैक स्मिथ मतलब की लुहार, अप्रेंटाइज इन ए कंट्री विलेज। मतलब एक अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है? शिक्षार्थी, मतलब सीखने वाला। तो उसके बारे में ये एक कहानी है या एक नोवेल है जिसके बारे में हमको बताया गया है कि एक मतलब एक बचपन और एक युवावस्था उनके बारे में बताया गया है। वो भी एक लुहार के जो एक शिक्षार्थी था किसी भी मतलब एक कंट्री के विलेज में। ही सडनली कम्स इनटू ए लार्ज फॉर्चून। तब जल्दी ही मतलब उसके भाग्य ने उसको एक बहुत अच्छा मतलब मौका दिया जो कि उसके लिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जो उसकी इच्छा से बहुत ही परे थी। फ्रॉम ए मिस्टीरियस बेनिफैक्टर, मतलब एक मतलब मिस्टीरियस वही रहस्यमय एक परोपकारिता मतलब देखने को मिली। एंड मूव्स टू लंडन, तो मूव कर गए कहाँ पे? लंडन में। वेयर ही एंटर्स हाई सोसाइटी, मतलब उसने एंटर किया वहां पे हाई सोसाइटी में। ही थिंक्स ही नोज वेयर द मनी हैज कम फ्रॉम। वो जानता था, वो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि पैसा कहाँ से आ रहा है। बट ही टर्न्स आउट टू बी सैडली मिस्टेकन। बट वो वहां से मुड़ नहीं सकता था, उसको यही अपनी गलती लग रही थी और इसके लिए ही वो उदास हो रहा था। द स्टोरी ऑल्सो फॉलोज पिप्स डीलिंग विद एस्टिला। जो स्टोरी उसमें बताया गया है कि मतलब जो पिप्स है वो कैसे डील करता है एस्टिला के साथ। जो एस्टिला है वो एक यंग वूमैन है जो कि ही अडोर्स, वो मतलब वो उसे स्नेह करती है, प्यार करती है। बट वो कांट रिटर्न हिज लव, बट उसके प्यार के लिए वो वापिस नहीं आती है। इसके बारे में बताया गया है इस वाली स्टोरी में। तो इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया है स्टोरी के बारे में कि कैसे क्या कुछ स्टोरी है ये, कभी पब्लिश हुई, कब मतलब ये इस पे बुक बनी थी, और मतलब ये कैसी नॉवल थी,
बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक पैसेज फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन। द पैसेज इंट्रोड्यूस थ्री मेन कैरेक्टर्स। जो पैसेज है वो तीन मेन कैरेक्टर के बारे में बात करता है। कौन कौन से देखे? पिप, एस्टेला और मिस हैविशम। इन तीन के बारे में बात करता है एज नरेटेड बाय पिप, और जिसको पिप ने नरेट किया है। पिप विजिट मिस हैविशम हाउस, मतलब जो पिप है वो एक दिन जाता है या विजिट करता है मिस हैविशम के हाउस पे। ही फेस्ड ट्रेजेडी बिफोर हर मैरिज, मतलब कि जो यहाँ पे जो वो जो पिप है वो फेस करता है ट्रेजेडी को अपनी शादी से पहले। एंड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द वर्ल्ड, मतलब डिसाइड करता है बदला लेने का इस वर्ल्ड से। बाय कंस्ट्रक्टिंग द सेम ट्रेजेडी, मतलब वो सेम ट्रेजेडी यहाँ पे वो करना चाहता है विच इन्वॉल्व्स टू इनोसेंट यंग पीपल्स। वो चाहता है कि मतलब सेम ट्रेस जो इस वर्ल्ड के साथ भी जहाँ पे दो यंग पीपल्स हो और दोनों इनोसेंट हो एंड सी ब्रॉट टुगेदर, वो साथ में आ जाए और उनके साथ भी सेम बिल्कुल ऐसी ही ट्रेजेडी हो जाए। उसके बाद क्या होता है, जो मिस हैविसम होती है वो टेल्स एस्टेला, वो एस्टेला को बोलती है टू ब्रेक हिज हार्ट, कि उसका दिल तोड़ दे, मतलब जो पिप है वो तू उससे ब्रेकअप कर ले। इस टाइप से जो हैविसम है वो एस्टेला को बोलती है। दीज वर्ड्स आर सेंट्रल टू द प्लॉट, जो ये वर्ड थे कौन से वर्ड्स कि टू ब्रेक हिज हार्ट, ये वर्ड्स जो हैं ये सेंट्रल हैं, मतलब सेंट्रल स्टोरी के लिए। एंड एडोलोसेंट बॉय नरेटेड एवरीथिंग, जो मतलब यहाँ पे जो एडोलोसेंट मतलब यहाँ पे जो किशोर है जो लड़का है वो नरेट करता है सब कुछ आफ्टर यस कुछ साल के बाद। एज ही अंडरस्टूड द वेरियस इंसिडेंट विच ही वॉज पार्ट ऑफ, मतलब वो सारे वो समझ आता है कि क्या क्या मतलब इंसिडेंट हुए, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, और वो भी उन सभी सारी घटनाओं का एक पार्ट है। द नरेटिव लैक्स इमीडिएसी एंड अर्जेंसी विच सॉर्ट्स वेल विद इवेंट्स व्हेन दे ओक्योर, और जो नरेटिव होता है वो देखता है कि कैसे मतलब कैसे तुरंत और मतलब जो अति आवश्यक यहाँ पे जो कमियां रही हैं वो कैसे मतलब सूट करती हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे इवेंट्स के साथ जैसे उनको होना चाहिए था। इट हैज ग्रेट पेशेंस, बहुत अच्छा पेशेंस है यहाँ पे एनालाइज ऑफ मोटिव, मतलब जो मोटिव था उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे बहुत ग्रेट पेशेंस का यूज किया गया है, उस मतलब धैर्य बनाए रखा है उस मोटिव को एनालाइज करने के लिए। एंड आफ्टर इमोशंस एंड फीलिंग्स हैव हैड टाइम टू सेटल डाउन, मतलब वो यहाँ पे जो उसने पेशेंस रखा तो मतलब उसने इमोशन एंड फीलिंग्स बहुत सारी थी बट उसके बाद भी यहाँ पे टाइम आ गया था कि वो दोनों आपस में सेटल डाउन कर ले। हम बात करें डिस्कशन करें हम पैसेज के बारे में, डिस्कशन अबाउट पैसेज फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो देखिए जो पिप है उसका नाम पूरा नाम क्या है, फिलिप पिररिप, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया पिप। तो देखिए यदि हम इनकी अपीयरेंस की बात करें मतलब की तो इनकी यहाँ पे कॉमन लुकिंग थी, बिल्कुल सेम मतलब कॉमन लुकिंग थी इनकी यहाँ पे। हम ट्रेड्स की बात करें कि इनमें मतलब क्या 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 इनकी विशेषताएं थी, मतलब लाइज, तो मतलब ये झूठ बोलते थे, स्मार्ट थे, स्ट्रोंग थे और प्रूडेंट थे, मतलब कि बहुत सावधान थे कोई भी डिसीजन लेने में। इसके अलावा ये यहाँ पे इस कैरेक्टर बारे में बताया गया है कि फ्रेंडशिप था मतलब ट्रू फ्रेंडशिप की इसने, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखिए पिप वॉज ए कंट्री फेलो, लगे वो कंट्री फेलो था, वो हैड ए वर्किंग क्लास फैमिली थी इसकी, मतलब वर्किंग फैमिली थी एंड वॉज अकॉम्पनीड बाय एस्टेला, और मतलब कि कहने का क्या है कि वो एस्टेला के साथ वो मतलब क्या एस्टेला के साथ वो कुछ फील कर रहा था एस्टेला के लेके। शी बोट ऑलमोस्ट ऑफ हिज एज ब्यूटीफुल एंड सेल्फ पोसेस्ड, जो एस्टेला थी वो ब्यूटीफुल थी और वो स्वयं के पास मतलब वो सेल्फ पोसेस्ड थी, वो खुद को लेके और मतलब स्वयं को वो खुद के पास ही रखना चाहती थी। शी टुक हिम टू मीट मिस हैविशम, वो मतलब हैविशम से मिलने के लिए गई, वो एंटर्स हर हाउस उसके घर में गई फ्रॉम ए चेन्ड गेट, मतलब चेन वाला गेट था उससे उन्होंने एंटर किया एंड फाइनली क्रॉस द डार्क पैसेज, मतलब उसके बाद जैसे उन्होंने घर में एंट्री की तो
तो उसके बाद उन्होंने जैसे चेन वाले गेट को खोला तो वहां पे डार्क सा, मतलब अंधेरा सा, अंधेरा टाइप कुछ वहां पे रास्ता था, तो उसको उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैविसम के बारे में दिखाया गया कि यहाँ पे ये हैविसम कैरेक्टर है, जो स्पीकर ऑफ द पोएम है वो कैरेक्टर ऑफ हैविसम है, टेकन फ्रॉम द डंकन्स नोवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन से लिया गया है ये। इसके अलावा जो ये इस नोवल में क्या होता है, ये वेडिंग से इसकी शादी से पहले ये हस्बैंड टू भी यहाँ पे कुछ चेंज आ जाता है, तो इसकी वजह से मतलब इसकी शादी में यहाँ पे कुछ बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये सदमा, इसको सदमा लग जाता है जिससे ये कभी भी रिकवर नहीं हो पाती है। ये मतलब शादी इसकी नहीं हुई बट फिर भी ये मतलब वेडिंग की ड्रेस पहन के घूमती रहती थी, और इसने एक डॉटर को अडॉप्ट कर लिया था और ये उसके साथ ही मतलब रहते थे, और ये उस लड़के को सिखाती थी कि मतलब हर इंसान से नफरत ही करनी चाहिए, क्योंकि इसको धोखा मिला था ना इसी वजह से। ये अपनी बिटिया को भी यही बातें सिखाती थी। इसके बाद देखिए यहां से हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस ओ ए लेडी वोज आर्म्स वाज रेस्टिंग ऑन द टेबल, वह देखता है कि वहां पे एक लेडी है जो कि अपनी मतलब हाथों को टेबल पर रख के आराम से रेस्ट कर रही है। हर हैड वॉज लर्निंग ऑन दैट हैंड, मतलब जो उसके हाथ हैं वो उसके सिर के पास हैं। ही वॉज सरप्राइज टू सी एक्सपेंसिव ज्वेलर, वो देखते हैं कि मतलब बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी उसने पहन रखी है, वो ये देख के वो सरप्राइज हो जाते हैं। रिच ब्राइड्स क्लोथ पहन रखे हैं बट शॉक्ड टू सी हर वाइट ईयर्स, मतलब कि एज इतनी ज्यादा है, बाल बिल्कुल व्हाइट हो रखे हैं बट फिर भी वो एज ए ब्राइडल तैयार हो रखी है। हर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन हिम वॉज रिप्लेस्ड विद ए गैस्टली वैक्स वर्क एंड लेटर वैक्स वर्क, मतलब जो उनके फर्स्ट जो उनके इम्प्रेशन थे इसको लेके वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे उनको ये क्या लगता है कि ये भयंकर, ये एक मतलब मोम से किया हो गया काम है, ये उनको ऐसा लगता है। स्केलेटन हैज डार्क आइज, मतलब डार्क आइज ऐसा लगता है जैसे कि कोई कंकाल हो और उसकी उसकी मतलब काली काली आंखें हो रखी हो, विच मूव्स टुवार्ड्स हिम, और जो उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा हो, इनको ऐसा लग रहा था। डे लाइट वॉज नॉट अलाउड फ्रॉम मिस हैविसम, मतलब डे लाइट जो दिन की जो रोशनी आ रही थी वो उसको अलाउ नहीं कर रही थी मिस हैविसम। ही वॉज डेजल्ड बाई आर्टिफिशियल लाइटिंग, मतलब कि वो बहुत ही यहाँ पे डेजल्ट, मतलब कहते हैं चकित हो जाना, मतलब वो उसको देख के वो वहां पे जो आर्टिफिशियल लाइटिंग थी उसको देख के वो बहुत ज्यादा वहां पे आश्चर्य आश्चर्य हो रहे थे, या बहुत ही वो हैरान हो रहे थे। द कैंडल लाइट वॉज शोविंग हर मार्क्स ऑफ डिके एंड द रिमेन्स दैट टाइम्स हैड ब्रॉट, वो देखते हैं कि जो कैंडल लाइट्स है वहां पे उसके दिख रहे हैं कि जो जो डिके के मतलब जो जो मार्क है, मतलब जो कि खराब हुआ उसका चेहरा वो उसको दिख रहा था, और जो बदला लेने की भावना थी वो आ चुकी थी, उसका जिसके लिए वो टाइम था वो आ चुका था। द आर्टिफिशियल वर्ल्ड इन साइड द हाउस, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाया गया था हाउस के अंदर, वॉज द मोस्ट शाइन एंड ब्रिटल, जो कि बहुत ही शाइनी था और बहुत ही नाजुक था, बहुत ही कोमल था। ही वॉज एस्टोनिस्ट, मतलब वो बहुत ही आश्चर्यचकित चकित हो रखे थे दोनों जने, टू सी द यूथनेस ऑफ द ब्राइडल ड्रेस, कि कैसे मतलब उसने बिल्कुल यंग ब्राइडल ड्रेस डाल रखी है, इस वजह से जो एस्टिला और जो पिप थे वो दोनों ये चीज देख के हैरान हो रखे थे कि वो हैविसम है, उसके बाल तो बिल्कुल व्हाइट हो रखे हैं बट उसके बाद भी वो मतलब यूथ ब्राइडल के जैसे ही वो तैयार होके बैठी हुई है। बट बिगन नोटिसिंग द रियलिटी बिहाइंड इट, बट उसके पीछे की उनको रियलिटी पता चल जाती है। हिज एडमिरेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय द फीलिंग ऑफ पिटी एंड इनफाइनाइट सैडनेस, जो उनकी यहाँ पे मतलब वो है यहाँ पे उनकी प्रशंसा करना चाहते थे बट यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाती है, बदल जाती है, और जो भावना थी वो यहाँ पे दया की और एक मतलब दुखद एक उदासीपूर्ण भावना यहाँ पे आ जाती है। पिप कन्फेस्ड दैट ही वुड हैव क्राइड इफ कुड, मतलब पिप ने यहाँ पे कन्फेस्ट किया है, मतलब उसने यहाँ पे कबूल किया है कि यदि वो कर पाता ना तो वो यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे रोने लग जाता ये सब देख के, यदि वो कर पाता तो। ये देखिए यहाँ पे पिप और एस्टिला है।
ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स, वो कार्ड्स खेल रहा था स्टेला के साथ, ही ऑब्जर्व डेट द टाइम इन द रूम, कि जो रूम में टाइम हुआ है स्टॉप, वो टाइम स्टॉप हो चुका है, टाइम मतलब टाइम की जो वॉच थी वो चल नहीं रही थी। मिस हैविसम पुट बैक द ज्वेल्स ऑन द एग्जैक्ट प्लेस, जो जो मिस हैविसम है वो अपनी ज्वेलरीज को वापस उन्हीं के स्थान पर रख रही है, एंड वेयर शी हैड टेकन, जहां से उन्होंने लिए थे वहीं पे वो ज्वेलरी को रख रही है। हर वेल रिमाइंडेड हिम ऑफ ए शॉर्ट, मतलब यहाँ पे वेल का मतलब क्या होता है, ये एक आवरण मतलब एक कवरिंग होती है, उसके बारे में बात की गई है। और मतलब ये शोर का मतलब होता ही होता है कफन, मतलब जो उसका एक आवरण था मतलब सिर्फ बचा हुआ है, तो उसके बॉडी पे सिर्फ उसका कफन बचा हुआ है और उसी से उसने अपने आप को कवर कर रखा है। चार्ल्स डंकन्स नैरेटिव ने स्ट्रेंज एग्जरेटेड एंड इनक्रेडिबल वे टू द रीडर्स, मतलब जो चार्ल्स डंकन, तो मतलब टोटल यहाँ पे यही हमारी स्टोरी थी। तो उसके अलावा हम देखते हैं एट लास्ट में जो चार्ल्स यहाँ पे डेकन्स थे, उन्होंने नरेट किया है इस वाली स्टोरी को एक स्ट्रेंज वे में और एक एग्जग्रेटेड वे में, मतलब उन्होंने यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, एंड इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय तरीके से उन्होंने यहाँ पे पेश किया अपने रीडर्स के लिए अपने नॉवल को। डेकन्स मेड पिप अपोलोजाइज फॉर फ्यू बोल्ड कमेंट्स के लिए एंड कंक्लूजन एंड मेड हिम बिलीव इन द वर्ड्स वर्ड्स ऑफ मिस हैविसम, मतलब यो यहाँ पे डंकन्स है वो मतलब यहाँ जो यहाँ पे पिप है वो मतलब माफी मांगता है कुछ अपने बोल्ड कमेंट्स के लिए, और यहाँ पे कंक्लूज क्या होता है कि मतलब उसको बिलीव हो जाता है मिस हैविसम के वर्ड्स पे। यदि हम मेन मैसेज की बात करें कि मेन मैसेज क्या है यहाँ पे हमारे नॉवल का, तो क्या है, द मोरल थीम ऑफ द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज क्वाइट सिंपल है, अफेक्शन है मतलब स्नेह लगाव की बात की गई है, लॉयल्टी की बात की गई है, ईमानदारी वफादारी, एंड कॉमन सेंस मतलब विवेक की बात की गई है कि जिसको अच्छे बुरे की समझ होती है, और मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट वेल्थ एंड क्लास, मतलब ये सारी चीजें जरूरी हैं बजाय कि सोशल एडवांसमेंट के, वेल्थ के या क्लास के, मतलब हमारे लिए समाज ज्यादा मैटर नहीं करता, न हमारे लिए हमारी जाति भेदभाव हमारे मतलब वैल्यू रखता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यदि हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो अफेक्शन है, लॉयल्टी है और कॉन्साइंस है। ये हमारी मेन मैसेज है हमारी इस नोवेल का। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, हमने किया ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि है चार्ल्स डिकेंस की, ये नोवेल थी, ये मैंने आपको कराई है। यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ये बुक लिखी गई है इस पे पूरी, और हमको ये सिर्फ एक पैसेज के रूप में हमको दिखाया गया है, तो इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड है, बट यदि आप इसको दो बार पढ़ लोगे अच्छे से डीपली से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया हो, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रह रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।